राजधानी लखनऊ में टीबी से पीड़ित मरीजों को इलाज अब जल्द होगा। इसके लिए राजधानी स्थित केजीएमयू में 16 मॉड्यूल जीन एक्सपर्ट जांच मशीन लगाई गई है जो 2 घंटों के अंदर टीबी से जुड़ी बीमारियों की जांच करेगी। इसके साथ ही हाईटेक मशीन के जरिए टीबी के मरीजों को दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं बताते चलें कि यूपी सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज यहां केजीएमयू के पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जहां उन्होंने नवस्थापित 16 मॉड्यूल जीन एक्सपर्ट जांच मशीन का उद्घाटन किया है। वहीं इस मौके पर हेल्थ डायरेक्टर सीएमओ समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। टीबी को इरेडिकेट करने के लिए उसमें जो नए नए मशीन जो आज आ रहे हैं और लगातार उसमें वृद्धि भी हो रही है, उससे संबंधित ये कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि टीबी को इस देश से 2025 से समाप्त कर देना चाहिए, तो उस विषय में यहाँ पर एक जीन एक्सपर्ट करके सीवीनेट का एडवांस वर्जन का एक टेस्टिंग, टीबी टेस्टिंग का एक मशीन है जिसमें 16 सैंपल्स एक साथ आके उसको कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महंगा मशीन है, बहुत एडवांस मशीन है, 2 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। और इसको डॉक्टर सैयद अहमद जी ने अपने संस्था के द्वारा इसको डोनेट भी किया है केजीएमयू में, तो इसी से संबंधित एक ये गोष्ठी किया गया था। और उसमें जो फिगर्स आपने सुना भी होगा कि टीबी के कितने फिगर्स हम लोग के इस उत्तर प्रदेश में लगभग 3,61,000 फिगर आज हमारे पास हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट मेडिकल, उसमें तो 3,61,000 का जिसमें सामान्य रूप में टीबी है, जो एमडीआर है और उनकी अलग अलग तरह के उनके ट्रीटमेंट कराने के लिए ये तमाम व्यवस्था पूरे प्रदेश में अलग अलग सेंटर्स पर भी लगने जा रहे हैं। और उसके माध्यम से जितना जल्दी चिन्हित करके जितना ज़्यादा उसको डॉट्स कार्यक्रम से जोड़ते हुए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है कि हर व्यक्ति को अपने पोषण ठीक से करने के लिए, न्यूट्रिशन ठीक से करने के लिए 500 रुपया प्रति माह उनके खाते में भी जा रहा है, ये पूरा कार्यक्रम टीवी कर रहा है। स्थानांतरण मामले में कार्रवाई हुई है निदेशालय के कुछ कर्मी